McAfee Edge World. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंस मेथड फाइंड किया था nth टर्म फाइंड करने के लिए. अभी हम देखेंगे डिफरेंस मेथड टू फाइंड. सम. इसको हम लोग कभी कभी ऐसे कहीं कहीं पे लिखा होगा टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते हैं. ठीक है. और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले एक बार उसमें करवाया था, तुम लोगों को बेसिक्स में करवाया था, तो मानसी को करवाया था, अनन्या का तो पता नहीं है. इसमें क्या होता है, जनरल टर्म को हम लोग डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं. कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे. जनरल टर्म को हम लोग डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे और जब ऐड करेंगे तो ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट होना शुरू हो जाते हैं. ऐसा करते हैं हम लोग. ठीक है. जैसे मैं क्या करूंगा कि अभी तुम लोगों को जो एक दो क्वेश्चंस में करवाऊंगा वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो बहुत स्टैंडर्ड हैं, बोर्ड वगैरह में आते हैं. ठीक है. मेंस और एडवांस में आने के चांसेस उनके थोड़े कम ही होते हैं. स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है. जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ही करवाता हूँ और साथ में तुम्हें वो स्टेप्स भी दिखाते जाऊंगा. सो जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 1, 2, 3 2, 3, 4. ये सब मल्टीप्लिकेशन में 3, 4, 5. नहीं तो पता चला तुम 3.4.5 पढ़ना शुरू करोगे. एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स. ये हमें फाइंड करना है. ठीक है. एक मेथड हम पहले देख चुके हैं ऊपर. क्या देखा था हमने कि जनरल टर्म निकालो, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, मल्टीप्लाई करके ओपन करो, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन कर दो. वो तो यूज हो सकता है इसमें, लेकिन जो मेथड बता रहा हूँ वो जनरल मेथड है. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जनरल टर्म तो निकालना है, ये तो श्योर सी बात है. जनरल टर्म तो निकालना ही पड़ेगा. जैसे इस केस में हमें जनरल टर्म दिख रहा है n, n प्लस वन, n प्लस टू. ठीक है. जनरल टर्म निकाल लिया. और दूसरा स्टेप होता है हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से जनरल टर्म को स्प्लिट करना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म. ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे मैं साइड में स्टेप्स भी लिखते जा रहा हूं. स्टेप नंबर वन क्या है, राइट द जनरल टर्म. ठीक है. तो जनरल टर्म लिख दिया. स्टेप टू क्या होता है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन यूज करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम स्प्लिट करते हैं जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. ये हमारा मेन स्टेप है. ठीक है. कि हमें कुछ भी मैनिपुलेशन यूज करना पड़ता है ये करने के लिए. तो यहाँ पे हम क्या मैनिपुलेशन यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे हमारा मैनिपुलेशन ये है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए है ये मैनिपुलेशन, याद रखना. वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ succeeding term of last factor and preceding term of first factor. ठीक है. ये देखना थोड़ा जरूरी होता है कि ये किस तरीके से आगे जा रहे हैं. तो देखो यहाँ पे ये दो तीन फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं. हम क्या बोलेंगे कि ये n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू दिख रहा है. अभी हम क्या बोलेंगे कि हमें डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है. क्या डिफरेंस, इसका सक्सीडिंग, इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा. अगर इसी को आगे लेके जाओगे तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या जाएगा, एन प्लस थ्री. और इसका प्रिसीडिंग, तो इससे पहले क्या आने वाला है, एन माइनस वन. इन दोनों का डिफरेंस बनाएंगे. अब एक्चुअल में डिफरेंस बनाओगे तो डिफरेंस का वैल्यू 4 आने वाला है.
अगर तुम सब्ट्रैक्ट करके देखो तो डिफरेंस का वैल्यू 4 आने वाला है। तो तुमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बैलेंस है। सो नाउ 4 टाइम्स टी एन कैन बी रिटन एज, अब जब तुम ये वाला टर्म पूरा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या दिख रहा होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है, माइनस, जब n माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा, n माइनस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब ध्यान से देखो ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं, जनरल टर्म को हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में लिख दिया है। और स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री में हम करेंगे एड ऑल द टर्म्स सो दैट ऑल्टरनेट टर्म्स में गेट कैंसल्ड। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, चलो अच्छा अब यहां पे जनरल टर्म तो आ गया, n इक्वल टू वन रखते हैं। अगर n इक्वल टू वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स टी वन आएगा तो ये क्या दिख रहा होगा, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, माइनस यहाँ पे n का वैल्यू वन रखोगे तो आ गया जीरो। जब n का वैल्यू टू रखोगे तो क्या आएगा, फोर इंटू टी टू, तो ये आएगा टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, माइनस यहाँ पे रखोगे n का वैल्यू टू तो ये आएगा वन टू थ्री फोर। फिर हम बोलेंगे n का वैल्यू थ्री रखो तो आएगा फोर इंटू टी थ्री, टी थ्री रखोगे तो थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन टू थ्री फोर, सॉरी टू थ्री फोर फाइव आ रहा होगा, एंड सो ऑन। जब हम n का वैल्यू n ही रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स टी एन। तो वो जो बड़ा वाला टर्म ऊपर लिखा हुआ था, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, माइनस क्या आ रहा होगा, एन माइनस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये आ रहा होगा। अब जब तुम सबको ऐड करोगे तो यहां पे तो क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स एस एन। और यहां क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो ये कैंसिलेशन चालू हो जाएगा ऐसा, लास्ट में ये कैंसिल, मतलब अभी एक टर्म ये बचेगा और एक टर्म ये बचेगा जो फिलहाल जीरो हो चुका है, बट जनरली हमेशा जीरो नहीं होता, इस केस में जीरो हो गया। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये आएगा n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3। तो अगर हम यहाँ से sn का वैल्यू निकालेंगे तो sn का वैल्यू आ जाएगा 1 by 4 into n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3। तो यहाँ हम लोगों ने ऐसे सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया। और मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये वाले स्टेप्स, ये तुम्हें अच्छी तरीके से याद रखने हैं क्योंकि यही स्टेप्स हमेशा काम करने वाले हैं। और इनमें भी इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है, एक तो ये कि जनरल टर्म लिखना है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर थ्री। लेकिन सबके जितने भी स्टेप्स हम दिखा रहे हैं इन सब में मैनिपुलेशन जो होगी अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग होगी। जब हम अलग अलग मैनिपुलेशन देखेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मैनिपुलेशन यूज हो रही होगी। जैसे इस केस में ये मैनिपुलेशन यूज हो रही है, हर केस में ये नहीं होगी, ये इस पर्टिकुलर केस की है, दूसरे केस के लिए कुछ और होगा, तीसरे केस के लिए कुछ और होगा। इसीलिए सीक्वेंस एंड सीरीज इतना वाइड हो जाता है कि लोग डर जाते हैं इससे, कह रहे यार इसमें तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मैनिपुलेशन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैनिपुलेशन का ऑर्डर समझ में आने लगेगा तो ये अपने आप इजी बन जाता है थोड़े टाइम के बाद। ये क्लियर है, नोट करो जरा जल्दी से इसको। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो दूसरा स्टैंडर्ड एग्जांपल की तरह काम करता है। उसमें क्या होता है, यही सेम सीरीज है, वेट यार, सीरीज ऐसी ही होती है, बस डिनोमिनेटर में बननी शुरू हो जाती है, वन टू थ्री टू थ्री फोर। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, इनको वीएन मेथड भी बोलते हैं कभी कभी। हाँ कभी कभी तुम्हें ऐसा होगा कि वो बोलेंगे कि हाँ आज हम आपको वीएन मेथड कराएंगे, तो वीएन मेथड का मतलब वही होता है जो मैं भी बताने वाला हूँ। वीएन मेथड का मतलब जो मैंने डिफरेंस बना करके तुम्हें दिखाया ना, वही वीएन बोलते हैं।
तो यहाँ पे भी वही वी एन मेथड जैसा ही होगा, लेकिन वी एन ई एन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो सीधे डिफरेंस मेथड से ही कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वही है, जनरल टर्म फाइंड करो। हमने जनरल टर्म फाइंड किया टी एन, तो टी एन फाइंड करेंगे तो नीचे तो हमें वही एपी वाले टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 का जनरल टर्म एन है, 2 3 4 का जनरल टर्म एन प्लस 1 है, और 3 4 5 का एन प्लस 2 है। यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस 1 1 था, इसीलिए एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 बन गया। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है हमारे पास कि हम इसमें कुछ मैनिपुलेशन करें। तो इस केस में हमारा मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन होगा वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या है। ये दो स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है, इसलिए इन दोनों को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बाकी सब तुम्हें सोचने पड़ेंगे। तो यहाँ मैनिपुलेशन क्या है कि मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट फैक्टर। तो लास्ट फैक्टर क्या है n प्लस 2, फर्स्ट फैक्टर क्या है n इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको स्प्लिट किया तो n प्लस 2 अपॉन दिस थिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 माइनस n अपॉन दिस थिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास tn। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद तो हमें पता है कि भाई हम t1 t2 निकालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 डालूंगा तो क्या आएगा, t1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3। फिर n इक्वल टू 2 डालोगे तो t2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4। फिर n इक्वल टू 3 डालेंगे तो t3 इज व्हाट, 1 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। जब हम यहाँ पे nth टर्म तक ले आएंगे, n इक्वल टू n डाल देंगे तो tn क्या आ रहा होगा, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, और इसको हम सबको फिर ऐड कर देंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखो क्या हो रहा होगा, अब कैंसिलेशन ऐसा दिख रहा है, ऐसा। तो यहां से ये फर्स्ट टर्म बचेगा और ये लास्ट टर्म बचेगा। अच्छा, दूसरी बात, हमने एक गड़बड़ करी है, हमने मल्टीप्लिकेशन सिर्फ यहाँ किया, यहाँ नहीं किया, ये गड़बड़ है। ये तुम लोगों को देख के बताना चाहिए था कि सर आपने यहाँ पे किया, आपने यहाँ तो किया ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस का वैल्यू 2 आ रहा है, तो वो 2 हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो इट इज 2 इंटू टी 1, इट इज 2 इंटू टी 2, 2 इंटू टी 3 एंड सो ऑन, 2 इंटू टी एन। तो जब ऐड करोगे तो इट इज 2 इंटू एस एन, और फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 इंटू 2 दैट इज 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तुम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली एस एन का वैल्यू तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि एस एन कैन बी रिटन एज 1 बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो चाहो तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। और मेथड समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है, एक्चुअल में समझ में आ रहा है ना, तो छापो जल्दी से। ये मैनिपुलेशन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना कि हमने यहां पे क्या किया है। फर्स्ट वाले का जनरल टर्म क्या है पहले तो ये बताओ, 2n माइनस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 नहीं, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 फर्स्ट वाले का जनरल टर्म है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये सब में दो दो का डिफरेंस चल रहा है ना, 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। अब जरा एन का वैल्यू डाल करके देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के लिए तुम्हें सब सेम मिल रहा होगा, और एन प्लस टू के लिए उतना वो प्रॉब्लम करेगा। और ये देखो तीन कंसेक्यूटिव टर्म दिखाई भी पड़ रहे हैं, तीन कंसेक्यूटिव टर्म दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2n माइनस 1 है, प्लस 2 ऐड करोगे तो ये आएगा, प्लस 2 ऐड करोगे तो ये आएगा, तो इसका पैटर्न भी क्लियर आ रहा है। अब हम क्या बोलेंगे कि
इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट वाले फैक्टर का सक्सीडिंग, तो 2n प्लस 5 हो जाएगा और फर्स्ट वाले का प्रीसीडिंग यानी 2n माइनस 3 हो जाएगा। दो दो के डिफरेंस पे देखोगे तो एक्चुअली तुमने 8 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो ये जब हम 8 इंटू tn लिखेंगे तो ये डिफरेंस फॉर्म में बन जाएगा, दैट इज 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। फिर जब हम यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 8 इंटू टी 1 ये आएगा 1357 माइनस, यहाँ पे डालोगे तो आएगा माइनस 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। फिर जब n का वैल्यू 2 डालोगे तो 8 इंटू टी 2 तो ये आएगा 3579 और यहाँ आ रहा होगा 1357। फिर n इक्वल टू 3 डालेंगे तो इट इज 8 इंटू टी 3 दैट इज 579। ये सब डाल डाल के चेक कर लेना कि ये वैल्यूज आ रही है कि नहीं, तो तुम्हें अपने आप आइडिया मिलने लगेगा। मुझे तो पता है कि हाँ ये आएंगे और जब मैं n इक्वल टू n डालूंगा तो ऊपर वाला जनरल टर्म हमें दिख रहा होगा 8 इंटू टी एन दैट इज जो भी पूरा लिखा हुआ है 2n माइनस 1 से लेकर के 2n प्लस 5 तक का टर्म ये लिखा हुआ है और दूसरा टर्म 2n माइनस 3 से लेकर के 2n प्लस 3 वाला ये लिखा हुआ है। अभी जब मैं इसको पूरे को ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 8 टाइम्स sn और जब वैल्यूज देखेंगे तो कैंसिलेशन देखो ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, ये तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कौन सा बचेगा एक ये वाला और एक ये वाला टर्म, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 और ऊपर क्या दिख रहा होगा ये 135 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा तो इट इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इज 15। सो जब हम 8 इंटू sn ये निकाल चुके हैं तो sn का वैल्यू क्या आएगा, sn का वैल्यू आएगा 1 बाय 8 इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 प्लस 15 बाय 8 ये आ जाएगा तुम्हारे पास tn का वैल्यू, मतलब sn का वैल्यू, सॉरी। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अब इसी तरीके से जब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन में tn क्या आ जाएगा, वहां पे tn आएगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 और फिर हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई, मतलब उसके डिफरेंस से, तो फर्स्ट लास्ट फैक्टर क्या है 2n प्लस 3 है, फर्स्ट फैक्टर क्या है 2n माइनस 1 है, इसके डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालोगे तो एक्चुअली 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4tn कर दो और यहाँ पे क्या आ रहा है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू tn इक्वल टू दिस अपॉन होल थिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस दिस अपॉन होल थिंग करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। अब वैल्यूज डालना स्टार्ट कर दो तो 4 इंटू t1 करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5। फिर 4 इंटू टी टू करोगे तो 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 7 देन 4 इंटू, दो तीन टर्म लिख लो उतना ही काफी है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैंसिलेशन कैसा होने वाला है। और ये सीरीज अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि अभी आगे हम लोग जब बाइनोमियल करेंगे ना तो वहां पे भी ये सीरीज एक बार यूज होगी और उसके बाद जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे होंगे वहां पे भी ये वाली सीरीज टेलीस्कोपिक सीरीज यूज होगी, तो इसके लिए ये सीरीज याद रखनी बहुत जरूरी है। और जेई में अभी तक जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बने ना वो इसी सीरीज पे बने, ट्रिगो के भी कुछ क्वेश्चन में ये सेम सीरीज यूज हो जाती है, तो जब तुम ट्रिगो पढ़ लोगे तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ये सीरीज यूज हो रही होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है इसका मेथड क्या है। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4 इंटू एस एन
और यहाँ पे ये क्रॉस कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया ऐसा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक फर्स्ट टर्म आएगा दैट इज 1 अपॉन 1 इनटू 3 दैट इज 1 बाय 3 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 3। एलसीएम भी ले सकते हो और ऐसा भी रख सकते हो, 4 से डिवाइड कर दोगे फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वो हो गया सॉल्व? नहीं, पर वो होना चाहिए था क्योंकि उसके जैसा क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले ही देखा है ऑलरेडी, बस मैंने उल्टा करके दे दिया था इस बार। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर तुम जनरल टर्म लिखोगे तो जनरल टर्म तुम्हें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक। मानसी ये तो लास्ट टाइम तूने ही बताया था, बस उल्टा था पिछली बार, इसका जो जनरल टर्म था वो उल्टा था, इस बार कुछ ऐसा हो गया है। हाँ सर, मैंने इसमें क्या क्या पूरा लास्ट टर्म तक का सम लेके वो सॉल्व किया जैसे मैंने पहले किया था। हाँ तो लास्ट, पहले तो जनरल टर्म ही निकालोगे ना। हाँ हाँ वो कर दिया। हाँ तो जनरल टर्म जब निकालोगे तो ये आएगा n into n plus 1 by 2 ऊपर वाला, और नीचे क्या आएगा, n into n plus 1 by 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर समेशन ऑफ n लिखा है और नीचे समेशन ऑफ n क्यूब लिखा है, ऐसे ही तो लिखा है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन ऑफ n, यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन ऑफ n क्यूब। तो समेशन ऑफ n का ये फॉर्मूला है, समेशन ऑफ n क्यूब का ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो tn तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय n into n plus 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जनरल टर्म में क्या दिख रहा है, दो फैक्टर दिख रहे हैं ना कंसेक्यूटिव टर्म वाले। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट और लास्ट फैक्टर का डिफरेंस बनाओ, तो फर्स्ट और लास्ट फैक्टर का डिफरेंस बनाओगे तो n plus 1 minus n हो जाएगा, ये डिफरेंस आ गया और n into n plus 1 बन गया, और जो डिफरेंस बन रहा है वो भी 1 बन रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे लिखने में। क्लियर है या नहीं अनन्या? एक बार थर्ड स्टेप से एक बार फिर से बताओ। ये समझ में आ गया ये वाला? अब मैंने बोला था जब डिनोमिनेटर में सीरीज बनती है तो सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि लास्ट और फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंस बना लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। वहां पे 3 फैक्टर थे, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 10 कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 3 ही फैक्टर होंगे तो हम करेंगे, 3 से ज्यादा भी होंगे तो भी वो मेथड वैलिड है वहां पे, या 3 से कम भी होंगे तो भी वैलिड है। तो हम जब लास्ट फैक्टर और फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंस बनाएंगे तो लास्ट ये है और फर्स्ट ये, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन में कोई चीज नहीं आने वाला है। और जब तुम इसके आगे जाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, 2 into, अब जब ब्रैकेट में देखना n plus 1 upon this thing करोगे तो क्या आएगा, 1 by n, और n upon this thing करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 by n plus 1। अब तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि tn by 2 can be written as 1 upon n minus 1 upon n plus 1, ऐसा लिख सकते हो। अब जब n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा, t1 upon 2, n का वैल्यू 1 डालोगे तो इट इज 1 upon 1 minus 1 upon 2, फिर t2 by 2 डालोगे तो 1 upon 2 minus 1 upon 3, t3 by 2 is 1 upon 3 minus 1 upon 4, ऐसा आ रहा होगा। और जब हम tn का वैल्यू डालेंगे so on, तो tn by 2 is 1 upon n minus 1 upon n plus 1, और जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, एस एन बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्रॉस कैंसिलेशन दिख रहा होगा ये, तो तुम्हें दिख रहा होगा 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। अभी चाहो तो एस एन बाई टू को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर के, तो इट विल बी एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, सो एस एन बाई टू कैन बी रिटन एज एन अपॉन एन प्लस 1। तो यहां से Sn का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस विल बी 2n अपॉन n प्लस 1। एंड आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आराम से डिस्कस करो, जिस भी स्टेप पे गड़बड़ लग रहा है पूछो डिस्कस करो, और अगर नहीं गड़बड़ लग रहा है तो फोर्थ किसने कर लिया यार ये बताओ, फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन था। फोर्थ वाले में क्या दिया था, समेशन ऑफ tr From r equal to 1 to n,
ये कुछ दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, यही दिया हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसने सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया है, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, और फिर वो तुमसे पूछता है कि बताओ कि वन बाई टी आर फ्रॉम आर इक्वल टू वन टू एन क्या होगा। मतलब वो एक और सीरीज पूछ रहा है जिसका जनरल टर्म जो है वो इस गिवन सीरीज के जनरल टर्म का रेसिप्रोकल है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, एक नया सम पूछ रहा है जिसका जनरल टर्म गिवन सीरीज के जनरल टर्म का रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे हमें जनरल टर्म दे नहीं रहा, उसने फॉर्मूला जरूर समेशन ऑफ टी आर लिखा है लेकिन जो वैल्यू लिखी है वो एस एन की लिखी है, वो टी एन की तो लिखी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टी एन निकालना पड़ेगा। तो टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एस एन दिया हो और टी एन निकालना है तो टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? ये मैंने एपी में बताया था, का फॉर्मूला आएगा, एपी के सम का फॉर्मूला क्यों आएगा बच्चा, ये एपी थोड़ी ना। मैंने एपी में मेथड बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब टी एन निकालना होता है तो हम बोलते हैं इट इज एस एन माइनस वन, याद है? तो वो ही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे जब सम, ये मैंने बोला था कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो ये मैंने इसीलिए बचा करके रखा था कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये समझ लो ये जेई का ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि उसने तुम्हें टी आर यूज तो किया है लेकिन टी आर दिया कहीं नहीं है, तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तुम इसका टी एन निकालोगे, इसका टी एन कैसे निकालोगे, इसका टी एन निकालने के लिए तुम बोलोगे कि हम यूज करेंगे एस एन, दैट मीन्स दिस माइनस एस एन माइनस वन, तो यहाँ एन की जगह पर एन माइनस वन रखोगे तो आ जाएगा एन माइनस वन एन, एन प्लस वन एन प्लस टू, जहां जहां पे भी एन था वहां एन माइनस वन रखा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें कॉमन आ रही है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एन एन प्लस वन एन प्लस टू कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आएगा एन प्लस थ्री माइनस एन माइनस वन। सिंप्लीफाई करोगे तो टी एन का वैल्यू एक्चुअल में तुम्हें क्या मिल जाएगा, फोर टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये मिल जाएगा। अब वो जो नई सीरीज की बात कर रहा है, नई सीरीज का जो जनरल टर्म है वो इस जनरल टर्म का रेसिप्रोकल है, तो नई सीरीज के जनरल टर्म को हम लोग स्मॉल टी एन से लिखते हैं जो कि क्या है, इस टी एन का रेसिप्रोकल। तो हमें टी एन क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वन अपॉन फोर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये मिल जाएगा। और अब हमें आगे क्या करना है, हमें आगे इस सीरीज का सम चाहिए, जो नई सीरीज बन गई उसका सम चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें टी एन तो ये मिल गया वन अपॉन फोर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, हम एक काम करते हैं, ये जो फोर दिखाई पड़ रहा है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें इसका सम बनाना है, मतलब ये सारे टर्म्स ऐड करने हैं, तो हमें वही अपना मैनिपुलेशन यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट फैक्टर का डिफरेंस बनाएंगे। तो फोर तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही, फर्स्ट और लास्ट फैक्टर का डिफरेंस बनाओगे तो क्या आएगा, एन प्लस टू माइनस एन आएगा। तो बेसिकली हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर हमने टू से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें टू से वहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एट इंटू टी एन, और जब यहाँ पे स्प्लिटिंग करोगे तो एन प्लस टू अपॉन होल थिंग करोगे तो आएगा एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन अपॉन दिस थिंग करोगे तो क्या आएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट कर दो, तो एन इक्वल टू वन रखोगे तो एट इंटू टी वन दैट इज वन अपॉन वन इंटू टू माइनस वन अपॉन टू इंटू थ्री, फिर एट इंटू टी टू तो इट इज वन अपॉन टू इंटू थ्री माइनस वन अपॉन थ्री इंटू फोर, फिर एट इंटू टी थ्री सो वन अपॉन थ्री इंटू फोर माइनस वन अपॉन फोर इंटू फाइव एंड सो ऑन, एट इंटू टी एन जब हम लोग जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन
माइनस मतलब वही बेसिकली वही कि किसी तरीके से हमने स्प्लिटिंग कर ली है, और स्प्लिटिंग करने के बाद तो बाकी पूरा प्रोसेस तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये हम दो तीन बार कर चुके तो तुम्हें अब तक तो याद भी हो गया होगा। और फिर इसके बाद तुम क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, तो ऐड करने में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 times SN, और यहाँ कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। तो क्या टर्म दिख रहा होगा यहाँ पे, 1/2 माइनस यहाँ पे 1/(n+1)(n+2)। फिर तुम एलसीएम लो या 8 से डिवाइड कर दो, अब तो तुम्हें एसएन मिलने वाला है आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्वेश्चन हमने घुमाया है, कहां से घुमाया है क्वेश्चन समझना। उसने जो क्वेश्चन तुम्हें दिया था उसमें कहीं पे भी उसने टीएन टर्म तो यूज किया है, लेकिन टीएन तुम्हें पता नहीं था, उसने तुम्हें एसएन दिया हुआ था। तो हमने पहले एसएन को यूज करके कैपिटल टीएन फाइंड किया, फिर दूसरी सीरीज का जनरल टर्म फाइंड किया, और फिर इसके बाद मैंने टेलीस्कोपिक सीरीज लगाई इसको सॉल्व करने में। किसी स्टेप में कोई, अभी एक काम करते हैं क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया है खत्म, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा है तुम लोगों की परफॉर्मेंस को लेकर के। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या टाइम हो रहा है यार, एक सेकंड रुको, देख लो जरा। अभी टाइम हो रहा है 2:20, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 10 मिनट में तुम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करोगे, और उसके बाद तुम्हारा एक फॉर्मूला टेस्ट होगा। अब तुम लोग चाहो तो बुकलेट देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो, जो देखना हो देखो, फटाफट रिवाइज करो, ठीक है? और चाहो तो ये वाले नोट्स मैं तुम्हें भेज देता हूँ अभी ग्रुप पे, जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं यही वाले नोट्स मैं अभी ग्रुप पे भी भेज दे रहा हूँ। तो तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें 10 मिनट के अंदर वो सब कुछ रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद हम उस पर एक फॉर्मूला टेस्ट रखेंगे, और फॉर्मूला टेस्ट लेने के बाद फिर तुम्हें और होमवर्क मिलेगा, आज ही होमवर्क मिलेगा, और वो आज ही करना है। तुम्हें टाइम फिक्स करके मैं दूंगा कि कितना टाइम है, ठीक है? उतना टाइम मिलेगा। तो तुम लोग चाहो तो अभी रिवाइज करना शुरू कर दो, तब तक मैं ये वाले नोट्स भी सेंड कर देता हूँ वहां पे ग्रुप पे। तो अभी अपने नोट से देखना स्टार्ट कर दो, बाद में चाहो तो इसमें से देखना शुरू कर देना। 10 मिनट का टाइम है। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या करना है, अब तुम लोग स्टार्ट करो और अपना टाइम दो। जो क्वेश्चन आसानी से आ रहा है उसको जल्दी जल्दी खत्म करना, जिसमें टाइम लग रहा है उसको टाइम देना। कोई डाउट है यहां तक जो भी मैंने बोला है? क्लास जरूर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आज, 6:30 तक बस तुम्हें कंप्लीट करके, क्लास तो मतलब अभी तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, बस ये कि तुम्हें 6:30 अब बैठना है, होमवर्क करने के लिए बैठना है, 6:30 तक पूरा कंप्लीट करके मुझे देना है, ठीक है? तो स्टार्ट कर दो अब जल्दी से।